हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएसपी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कैड कैम सिस्टम, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, कैड कैम सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हम कैड के बारे में आप जानते हैं, कंप्यूटर एडिड ड्राइंग। ठीक है, इसकी फुल एडिड डिजाइनिंग, एंड कैम स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट समझ लो आप। कैड भी एक सब्जेक्ट होता है, कैम भी एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम यहाँ बच्चों कैड कैम सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैड क्या होती है। तो आप बेसिकली बता देता हूँ कि जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, तो जो भी हम डिजाइनिंग करते हैं प्रोडक्ट की विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, वो क्या बन जाती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ठीक है, हम मतलब पहले ड्रॉइंग बनती है ना, तो वही सारे जो स्टेप हैं वो कैड में होते हैं। देन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो हम कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, वो चाहे प्रोग्रामिंग करने में हो, चाहे डाटा फीड करने में हो, चाहे मशीन को कंट्रोल करने में हो, जैसे सीएनसी मशीन होती है, ठीक है, तो वो किसका पार्ट है, कैम का पार्ट है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अब बात आती है कैड कैम इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब कैड कैम मिक्स सिस्टम जो है वो क्या चीज है। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। तो बच्चों, द कंबाइंड कैड कैम इज द सिस्टम concerned with the use of computers to perform product designing and manufacturing operation. CAD CAM system में basically क्या हो रहा है, जो दोनों different operation है ना उनके, CAD का काम है designing का, CAM का काम है manufacturing का, तो इस system में दोनों काम computer से ही हो रहे हैं। ठीक है, वो भी step by step, कि मतलब उसी computer से पहले CAD में designing होगी, मतलब product की designing होगी, then उसी system से फिर उस product की manufacturing होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके और मैन्युफैक्चरिंग तक सब एक ही जगह मिक्स कर दिया है, इसको हमने क्या नाम दिया, कैड कैम सिस्टम। बात समझ में आई बच्चों, बहुत सिंपल से टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आपको थोड़े बेसिक इनके पता होने चाहिए, इसलिए मैंने कैड को थोड़ा सा बता दिया और कैम को थोड़ा बता दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, कैड कैम सिस्टम। अब हम कैड कैम इंटीग्रेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो अब बच्चों कैड कैम इंटीग्रेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या है कि ऑल द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैव टू बी डिजाइन फर्स्ट एंड आफ्टर डिजाइनिंग दे आर सेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप प्रोडक्ट का डिजाइन करेंगे, फिर देन उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज देंगे, है ना भाई। आपको भी बताना है कि प्रोडक्शन का पहला स्टेप क्या होता है, ड्रॉइंग होता है या डिजाइन होता है कि आप क्या बनाएंगे, देन उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करके जो हमारे प्रोडक्शन वाले होते हैं वो उस प्रोडक्ट को डिजाइन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें पहला स्टेप देखो, इसके स्टेप जो आर इंटीग्रेशन में डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, सबसे पहले हमें क्या है, प्रोडक्ट की डिजाइन करना है। ठीक है, उसमें जो है, अब डिजाइनिंग में क्या होता है, वेरियस टाइप के जो है कैलकुलेशन होती है, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन के जो कंपोनेंट आप बना रहे हो डिजाइन का, वो कितनी स्ट्रेस क्या कहते हैं बियर कर पाएगा, ठीक है, कितने फोर्सेस लगेंगे। तो आप जो प्रोडक्ट का डिजाइन कर रहे हो वो कैलकुलेशन के बेस पे करोगे ना, हीट ट्रांसफर क्या है, हीट मटेरियल की प्रॉपर्टीज का क्या है, तो उस डिजाइन के हिसाब से ही उसके मटेरियल का सिलेक्शन होता है। बात समझ में आ रही है, तो ये सारी चीजें एनालिसिस करनी है, फोर्स एनालिसिस करनी है, स्ट्रेस एनालिसिस करनी है, तो ये सब किसमें करनी है, डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे कैड सॉफ्टवेयर आते हैं, क्योंकि किस पे कौन सा स्टेप चल रहा है, ये चल रहा है बच्चों कैड के स्टेप। इसमें दो स्टेप कैड के हैं, दो स्टेप कैम के हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन के दो स्टेप है, स्टार्टिंग है जनरेटिंग द ड्रॉइंग, ठीक है, और लास्ट के दो कैम के हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। तो एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। देन सेकंड है जनरेटिंग द ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग में क्या करना है, आपका डिजाइन बन गया, अब उस डिजाइन की ड्रॉइंग बनेगी। जैसा आप ऑटो कैड में सॉफ्टवेयर होते हैं, टू डी थ्री डी आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हो ना, सॉलिड वर्क थ्री डी, तो ये सारे उस डिजाइन की अब आप ड्रॉइंग बनाओगे। ठीक है, वो किसमें चला जाएगा, सेकेंड स्टेप में, जनरेटिंग द ड्रॉइंग में। अच्छा, जनरेटिंग द ड्रॉइंग, ड्रॉइंग तो बन गई, लेकिन आपको पता है उसका जो है, फिर जब वो प्रोडक्शन में भेजा जाता है मशीनों में, तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे उसके प्रिंट आउट दिए जाते हैं हार्ड कॉपी, क्योंकि ऑपरेटर किससे देखेगा, या जो इंस्पेक्टर होंगे लाइन इंस्पेक्टर, वो प्रोडक्ट को किससे चेक करेंगे, वो प्रोडक्ट को चेक करते हैं अब उस ड्रॉइंग से, कि जो डायमेंशन दे रखी है क्या प्रोडक्ट उसी डायमेंशन का बना है या नहीं। बात समझ में आ रही है बच्चों, तो ये दो स्टेप किसके हो गए, कैड के हो गए। अब आपके ड्राइंग बन गई, अब नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। अब आपका उसी डिजाइन के हिसाब से अब आपको ये प्लान करना है,
उस कंपोनेंट पे कौन कौन से ऑपरेशन होने, ठीक है, मान लो पहले ड्रिलिंग होनी है, फिर बोरिंग होनी है, फिर सीएनसी, फिर ग्राइंडिंग, तो इसी सीक्वेंस में ये उसकी होती है प्रोसेस प्लानिंग, जैसे कहते हैं ना शेड्यूलिंग, तो शेड्यूल हो रहा है कि ये ऑपरेशन देन ये ऑपरेशन ये ऑपरेशन, ठीक है, ये प्लान हो जाएगा पहले ही, तो वो डिजाइन से ही पता चल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, लास्ट स्टेप क्या है, आप सब कुछ हो चुका, आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बची है, तो मैन्युफैक्चरिंग लास्ट स्टेप है, जिसमें आप जैसे सीएनसी मशीन होती है, अब आपके पास ड्राइंग भी है, ठीक है, प्रोडक्शन का प्लान भी है, शेड्यूल भी है, कब बनाना है, बस अब उसको मैन्युफैक्चरिंग करना रह गया है, तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, सीएनसी मशीन या एनसी मशीन, जो कंप्यूटर की हेल्प से कंट्रोल होती है, ठीक है बच्चों। तो कैड कैम सिस्टम में बेसिकली जो है, कैड और कैम के दोनों सिस्टम जो फंक्शन है उनको इन्वॉल्व कर लेना है, ठीक है, और पूरा सिस्टम एक ही हो जाएगा स्टार्ट से लेके एंड तक, के डिजाइन भी बनाना, ठीक है, उसकी ड्राइंग भी बनेगी, वही ड्राइंग फिर इंप्लीमेंट होगी डाटाबेस में, और वही डाटाबेस के हिसाब से जो है हमारा प्रोडक्शन जो है वो काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम कैड कैम का डाटाबेस वाला एक कनेक्शन देख रहे हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, आगे देखते हैं इसको। अब ये आ रहे बच्चों कैड कैम का जो है मैंने डाटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हेल्पफुल भी है, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है बच्चों, तो इससे आपको आंसर लिखने बहुत आसानी रहेगी, और मैं बताऊंगा कि ये ए डायग्राम आपके तीन क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है, वो तीन क्वेश्चन में कैसे काम आएगा पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक। तो आप ये देखिए, अब ये बनाए, ये मैंने कैड के फीचर्स लिखे इधर, जो कैड के मेन कंपोनेंट है, ये जो उनके मेन स्टेप है, इधर कैम के भी मेन स्टेप है, ठीक है, बीच में डाटाबेस है, आपको पता ही है ना कैड कैम जो है मिलके काम कर रहा है, तभी तो कैड कैम सिस्टम है। तो हम इधर से स्टार्टिंग करते हैं, इंटरेक्टिव ग्राफिक्स, तो इंटरेक्टिव ग्राफिक्स मतलब जो भी हम ग्राफिक्स में उसमें डिजाइन करेंगे कंप्यूटर से या वो डिजाइन करते हैं, तो वो फर्स्ट स्टेप है। आप देखो बच्चों स्टार्टिंग होती है कैड में, फर्स्ट है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या होती है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग इज कंसर्न विद द कंप्यूटर कंपैटिबल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में जो भी आप डिजाइन बना रहे हो, ठीक है, उसकी ड्राइंग जो है उस ड्राइंग की मैथमेटिकल डायमेंशन जितनी भी है, लेंथ ब्रेथ, ठीक है, वो जो भी डायमीटर है, ठीक, उसके बारे में होना सब कुछ, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, ठीक है, तो वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, मैथमेटिकल मॉडलिंग में, फर्स्ट स्टेप हो गया। देन सेकंड है इंजीनियरिंग एनालिसिस। इंजीनियरिंग एनालिसिस में क्या आएगा, जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं, जब भी एनालिसिस में बात की थी, तो आप जो भी कंपोनेंट का डिजाइन करते हैं वो आप सारी जो जैसे हमारे लोड फैक्टर है कि आप कोई कंपोनेंट बनाओ, जैसे शाफ्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उस शाफ्ट पे कितना लोड लगने वाला है, कितना टॉर्क लगेगा, क्या हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है, तो वो सारी कैलकुलेशन पता है पहले स्टार्टिंग में कर ली जाती है, ठीक है, तभी उसी हिसाब से उसका डिजाइन किया जाता है, ऐसा डिजाइन नहीं कर सकते जो लोड लगने पे फेलियर हो जाए, बात समझ में आ रही है, तो ये बात डिजाइन करते टाइम ध्यान रखी जाती है कि उस पर वेरियस टाइप के लोड लगेंगे, क्या उस पर स्ट्रेस जनरेट होगी, ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, ये सारी चीजें, ठीक है बच्चों। देन डिजाइन रिव्यू एंड इवेल्युएशन। अब आपका एनालिसिस भी हो गई, अब रिव्यू क्या कर रहे हैं, आपने डिजाइन बना लिया है, ठीक है, आप उसको रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू मतलब सेंस देख रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी, और इवेल्युएट कर रहे हैं कि वो जो हमने जिस कैलकुलेशन या जिस कंसिडरेशन के लिए डिजाइन बनाया है क्या वो उसको फिलफिल कर रहा है या नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग। ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग क्या होती है बच्चों, इसमें यह है कि ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ हार्ड कॉपी इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स डायरेक्टली फ्रॉम द कैड डाटाबेस। इसका मतलब ये है ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग में जो भी आप कैड से डिजाइन कर रहे हो, जो आप स्क्रीन पर डिजाइन करते हो, उस डिजाइन की हार्ड कॉपी निकाली जाती है, ठीक है। अभी मैंने पहले भी बताया था कि हार्ड कॉपी की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि बच्चों देखो डिजाइन तो आपने कंप्यूटर में बना दिया, वो बात ठीक है, लेकिन जब उस डिजाइन की मैन्युफैक्चरिंग होगी, होगी तो मशीनों पर ही, और मशीनों पे ऑपरेटर काम करते हैं, ठीक है, और उसको चेकिंग जो है हमारे लाइन इंस्पेक्टर करते हैं, तो उनको आप प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, ठीक है, तो उनके डायमेंशन को वेरीफाई करना होगा, वो किससे करेंगे, वो करते हैं ड्रॉइंग से, ठीक है। तो जो कैड की ड्रॉइंग होती है हम उसको पेपर पे प्रिंट आउट निकाल देते हैं और एवरी मशीन पे और हमारे लाइन इंस्पेक्टर पे वो अवेलेबल करा देते हैं। जब वो प्रोसेस को चेक करते हैं तो वो उस डायमेंशन से उस पीस को चेक करते हैं कि सही बना या नहीं बना है, ठीक है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल करने में काम आता है, बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये कैड के आपके स्टेप हो गए, आपके ड्रॉइंग बनने से लेकर ड्रॉइंग का प्रिंट तक निकल गया, ठीक है ना, और ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, डायरेक्टली
डाटाबेस मतलब सिस्टम में, किसी सिस्टम में जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये सिस्टम किससे कनेक्टेड है? कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब आपका डिजाइन बन गया, अब मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब कैम के पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब आप देख रहे हो बच्चों, 5 नंबर या 10 नंबर में जो भी क्वेश्चन आपका आता है उसमें लिखने के लिए आपके पास इतना मटेरियल हो जाएगा कि आप एक एक पॉइंट को भी एक्सप्लेन करोगे तो आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। फर्स्ट है टूल एंड फिक्सर डिजाइन। अब बच्चों देखो, प्रोडक्ट की ड्रॉइंग बन गई, डिजाइन बन गई, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट होगी बच्चों, तो उस पर कुछ टूल्स लगेंगे, लगेंगे ना, उसके कुछ फिक्सचर होंगे। फिक्सचर समझते हो ना, जिसपे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लैंप किया जाता है। मतलब मान लो ड्रिल मशीन ही है, तो ड्रिल मशीन पे आपको मतलब बहुत बड़ी कंपोनेंट है कोई, तो उसकी जो फिक्सचर बनेगी वो भी उसी हिसाब से बनेगी ना, वरना उस पर रखोगे कैसे ड्रिल मशीन पे, ठीक है। तो फिक्सचर और ये टूल के जो है डिजाइन हो जाते हैं किसके हिसाब से? प्रोडक्ट की ड्रॉइंग के हिसाब से। ये हेल्प मिल रही है। देन एनसी प्रोग्रामिंग, पार्ट प्रोग्रामिंग भी। एनसी प्रोग्रामिंग मतलब जो मशीन की प्रोग्रामिंग होनी है, सीएनसी की कोड जो बनना है वो किससे बनते हैं? वो बच्चों ड्रॉइंग के हिसाब से ही बनते हैं, है ना। पहले ड्रॉइंग बनेगी, देन उसी के हिसाब से पार्ट प्रोग्रामिंग होगी कि कितना डायमीटर जाएगा, कब टूल जाएगा, जो हमारी कोड होते हैं जी कोड एम कोड, ठीक है। वो सारी प्रोग्रामिंग जो है यहाँ कंप्यूटर की हेल्प से हो जाएगी। देन नेक्स्ट, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। अब डिजाइन भी हो गई, अब कंप्यूटर से ही प्रोसेस प्लानिंग भी होगी। प्रोसेस प्लानिंग इन द सेंस कि पहले कौन सा ऑपरेशन होना है, फिर कौन सा ऑपरेशन होना है, तो वो सीक्वेंस भी बताएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूल। उसके बाद ये भी होगा कि प्रोडक्शन के शेड्यूल क्या रखने हैं, कितना साइकिल टाइम है, ठीक है, किस पीस को कितना बनाना है, कब बनाना है, यही तो सब होता है पीपीसी में। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूल, प्रोड्यूस करना है क्वांटिटी के हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये कैम के इंफॉर्मेशन हो गई, और देन ये सारी किस पे चली जाएंगी? ये सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद, प्लानिंग व्लानिंग करने के बाद, देन एक्चुअल प्रोडक्शन होगा, है ना। अब एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा सीएनसी मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, इंडस्ट्रियल रोबोट जो भी है, उस सबसे मशीनिंग हो जाएगी। ये तो बच्चों एक फ्लो हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, एक चीज ये देखो, अगर मैंने इसमें एरो ऐसे दिखाया है तो देन एक एरो रिवर्स भी है, इसमें भी रिवर्स, इसमें भी रिवर्स, इसमें भी रिवर्स। उसका मतलब क्या बच्चों? जब आपको बताया ना, रिवर्स का मतलब क्या होता है? फीडबैक। अगर प्रोडक्शन में कोई कमी आ रही है आपके डिजाइन में, या कोई फॉल्ट हो रहा है, तो वो फीडबैक रिटर्न आएगा अब, ठीक है, किसके पास? प्लानिंग के पास आया, या प्रोग्रामिंग में। मान लो कोई प्रोग्रामिंग में दिक्कत हो रही है, कोई टूल सही से काम नहीं कर रहा, मूवमेंट गलत हो रही है, तो वो वापस देना पड़ेगा ना। वो वापस कहाँ आएगा? एनसी प्रोग्रामिंग में। एनसी प्रोग्रामिंग में आएगा कि कुछ प्रोग्राम में चेंज करना है, तो प्रोग्राम में चेंज यहां से थोड़ी होगा। प्रोग्राम में चेंज कहां से होगा? डाटाबेस से चेंज होगा। बात समझ में आ रही है ना? यहां फीड है सब, और ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है कि अब भी कोई बात नहीं बन रही, हमें ड्राइंग में ही कोई चेंज करना है, तो देन फिर वो रिवर्स आ जाएंगे कैड पे कि भाई ना डिजाइन में ही कुछ चेंज करो, उसको फिर एनालिसिस करो, फिर रिव्यू करो, देन फिर फीडिंग स्टार्ट करो। कुछ समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से हमारा कैड कैम सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब वो बात बता देता हूं कि जो मैं कह रहा था कि 3 क्वेश्चन इसी से कैसे तैयार होंगे। पहला तो यही हो गया बच्चों, कैड कैम सिस्टम क्या होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। देन इसके बाद अगर सपोज करो एक ये आ जाता है कि राइट शॉर्ट नॉट ऑन कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, तो आप क्या करोगे? इस डायग्राम का सिर्फ इतना पोर्शन अगर ले लेते हो, ठीक है, तो आपका ये कैड के बारे में हो जाएगा, आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में अगर वो कैम के बारे में पूछ लेता है अलग से, मतलब शॉर्ट नॉट कंप्यूटर एडेड, राइट डाउन द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, देन आप इसी क्वेश्चन को, इस वाले पार्ट को लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो एक क्वेश्चन कैड, एक क्वेश्चन कैम, और थर्ड क्वेश्चन कैड कैम सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो एक ही क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो CIM की होगी, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है। तो जो बच्चे क्लास से नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप वीडियो से जुड़े रहें। क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे बच्चों, तो आपको अपडेट्स का पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, उससे हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।